दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के बारे में। यानी ये जो जैम पोर्टल होता है बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है और इसमें आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अपने जो प्रोडक्ट है वो आप सेल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैम जो होता है यानी कि इसका जो पोर्टल है jm.gov.in, यानी जब आप गूगल पे सर्च करेंगे GEM तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो होता है रिजल्ट आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर ये जो पोर्टल होता है बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का है और इससे आपको जितने भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आप अपनी सप्लाई यानी अपने प्रोडक्ट का जो है सेल आउट आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, GST होल्डर हैं और आप अपना ITR फाइल करते हैं तभी आप इसके अंदर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे और अदरवाइज़ जो है आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसके अंदर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और मेरी अपनी प्रोफाइल को मैंने 100% कंप्लीट कर लिया जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें साइन अप होता है यानी कि अगर अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है एज ए सेलर तो आपको यहाँ पे साइन अप करना होता है। तो मैं यहाँ पे भी करूँगा लॉगिन यानी कि मेरा इसमें अकाउंट मैंने अपना जो है रजिस्टर्ड कर रखा है। करने के साथ ही मैं आपको इसमें लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को जो 100% मैंने कंप्लीट किया है उसी का क्या प्रोसेस है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे आप साइन इन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर साइन अप आप करते हैं तो दो तरह के ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, रजिस्टर्ड एज बायर यानी अगर आप एक बायर हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे इसमें रजिस्टर करवाना होगा और अगर आप एज ए सेलर हैं तो आपको यहाँ पे करना होता है रजिस्टर्ड एज सेलर। यानी कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ, जब आप नई टैब में ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं यानी कि इसके अंदर जो होते हैं 3 स्टेप होती है। अब 3 स्टेप कंप्लीट करने पे जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो सारे की सारी स्टेप्स आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद में आपको और भी स्टेप्स होती हैं वो फॉलो करनी होती हैं। तो अब यहाँ पर है कि ये सारी स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेंगे कोई इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट करके इधर बताया वो चीज़ मैं आपको सारी स्टेप्स इसमें क्लियर कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, जो मेरा अपना आईडी है उस आईडी से मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने अपना जो है पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है यानी जैम जो पोर्टल होता है उस पर मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि 100% यानी 100% का मतलब होता है कि आपके अपनी यानी जो भी आपकी इसमें प्रोफाइल होती है यानी जो सारी स्टेप्स होती हैं वो आपको फॉलो करनी होती है। अगर यहाँ पर आपका 100% ना हो के अगर 100% से कम है तो आप उस केस में जैम के जो पोर्टल पर है अपने प्रोडक्ट का सेल आउट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जब आपकी ये 100% कंप्लीट हो जाती है या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको जो है जैम की ओर से एक सेलर आईडी इशू कर दी जाती है। तो वो सेलर आईडी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी कि मेरी सेलर आईडी जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और होने के साथ ही यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती हैं यानी बिजनेस का जो पैन वैलिडेशन होता है वो, बिजनेस की डिटेल, एडिशनल डिटेल और ऑफिस की लोकेशन, बैंक डिटेल और टैक्स असेसमेंट। अब इसके अंदर एक मेन जो इशू आता है टैक्स असेसमेंट का आता है और यहाँ पर आपको MSME, ये दो जो स्टेप्स होती हैं टैक्स असेसमेंट को भी मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा और इसके साथ MSME जो होता है यानी MSME के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में आपको उद्यमी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको इसमें करना होता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ एंटर करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स असेसमेंट का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो है पेन नंबर है वो वेरीफाइड है और इसमें मैंने ITR 4 मैंने फाइल किया है। यहाँ पर पेन नंबर डिस्प्ले होता है और यहाँ पर आपका जो जितनी टर्नओवर आपकी होती है वो आपको उसके अंदर देना होता है जब अपनी ITR फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसी हिसाब से ये डाटा आपको इसमें फीड करना होता है। अब इसको जो वेरीफाई आप कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पर होता है कि मैंने तो इसमें ऐड कर दिया और अगर आप नया ऐड करते हैं जैसे अभी ये वेरीफाइड है, वेरीफाइड कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें होता है एड न्यू टैक्स असेसमेंट यानी कि जैसे आप आपके इसमें भी ऑप्शन आएगा जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है एड
टैक्स असेसमेंट है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अपना पैन नंबर बेसिकली आपको देना होता है। पैन नंबर देने के साथ ही आपका जो आईटीआर टाइप है, यानी आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो उसका टाइप क्या है, तो ये टाइप आपको जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आईटीआर टाइप कैसे चेक करेंगे। तो मेरा बेसिकली आईटीआर 4 होता है, जब आईटीआर मैंने 4 जो मैं इसमें टाइप करता हूँ। और इसमें असेसमेंट जो होता है आपका ईयर कौन सा है, अब जैसे कि प्रीवियस अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे 23-24 जो प्रीवियस का था, और इसी के अंदर अब आपको यहाँ पर जब आईटीआर आप फाइल करते हैं 4, तो इसमें देखिए दो चीज़ आ जाती है इसके अंदर। तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कि आपने आईटीआर जो फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देना है, और इसके बाद में जो होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस के अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी होती है। और इसके अंदर शेड्यूल जो कॉलम E1A, तो ये E1A क्या है ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको एक कॉलम देखने को मिलता है E1A और कॉलम E1B, ये दोनों ही कॉलम आपको अपने आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो उस केस में आपको वो एंट्रीज आपको यहाँ पे देनी होती है। तो अब आईटीआर को कैसे इसमें वेरीफाई करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। एक नई टैब ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, और इनकम टैक्स की जो साइट होती है आपको वो यहाँ पे ओपन करनी है, यानी इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको एक अपना जो ये ईमेल आईडी जो होता है, यानी आपको यूज़र आईडी जो होता है वो आपको इसके अंदर अलॉट किया जाता है। तो वहाँ पे आपको करना है लॉगिन। तो ये इनकम टैक्स का सेकंड वाला यहाँ पे है, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होता है लॉगिन का। तो लॉगिन के अंदर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे अपना जो पैन नंबर है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर या पैन नंबर जो होता है आपका, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन, तो ये आपका जो है जब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे ई फाइल पे क्लिक करना है, और ई फाइल के अंदर आपको यहाँ पे करना है इनकम टैक्स रिटर्न्स जो कि आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं वो, और इसमें आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है व्यू फील्ड रिटर्न्स। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे जो है ये पूरी डिटेल्स देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि असेसमेंट ईयर जो होता है कौन सा है, 23-24 है, और इसी के अंदर आप यहाँ पे आईटीआर का क्या टाइप है वो आईटीआर टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपके आईटीआर का जो आपने फाइल किया उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। और इसी के साथ में बाकी के जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जब आप यहाँ पे जेम के अंदर वेरीफाई करते हैं तो इसमें कॉलम नंबर EA1 और यहाँ पे कॉलम E1B, तो ये चीज़ भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे फॉर्म का डाउनलोड का। जब आप इसमें डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो एक PDF फॉर्मेट के अंदर जो है वो फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, और उसी के अंदर आपको वो डिटेल्स देखने को मिलती है। मैं दिखा देता हूँ उसको ओपन करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी डिटेल्स होती है, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इसके अंदर मिल जाता है, और इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए कौन सी एंट्री उसमें करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नंबर E1A, तो इसमें जब E1A आप देखेंगे यहाँ पे ABCD जो कॉलम चलते हैं इसमें देखेंगे कि ये B कॉलम है, यहाँ पे हो गया इसमें B4, ये C कॉलम हो गया, और C के बाद यहाँ पे D। अब यहाँ पे आप कॉलम देखेंगे E1, अब E1 का A और E1 का B। तो यहाँ पे जब आप अपना जब ITR फाइल करते हैं तो E1 का A कॉलम, यानी E1 का जो यहाँ पे A कॉलम आपको दिया गया है कि टोटल आपका जो बिजनेस का जो टर्नओवर कितना था, यहाँ पे आपको ये वाला अमाउंट आपको वहाँ पर एंटर करना है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे अमाउंट मेरा जो है 10,309 रुपये हैं। तो जब आप यहाँ पे पोर्टल पे वेरीफाई करेंगे तो इस जगह पे वो एंटर आपको करना है जो कि आपके कॉलम नंबर, इसमें यहाँ पर तो आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको मैंने बताया था ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये कॉपी करके आपको वहाँ पेस्ट करना है या टाइप करना है जो भी आपको लगे। और उसके बाद EA1, यानी मैंने बताया था EA1, इसके अंदर A और B, जो A के अंदर आप डाटा देखेंगे EA1 का डाटा जो यहाँ पे 10 लाख का जो भी जितना अमाउंट आपके इसमें ITR में शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे लेना है ये वाला डाटा, और E2B के अंदर 0 है तो आपको वहाँ पे 0 एंटर करना है। तो यानी कि यहाँ पे आपको वो अमाउंट लेना है एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद में, और यहाँ EA1 का डाटा लेना है, और यहाँ पर EA1 जो होती है E1B, यानी E1
A E1 B, तो दोनों के अंदर यहाँ पे जीरो आपको लेना है और यहाँ पे वो अमाउंट आपको लेना है। और लेने के साथ ही अब आपको उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन जो है ये इनेबल हो जाता है, और इनेबल होने के बाद में आपका जो ये ITR है वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अपना जो टैक्स असेसमेंट जो था उसको मैंने वेरीफाई किया था। हम यहाँ पे अब ये वेरीफाइड को हो गया, तो अब इसके अंदर से वेरीफाई तब ही होता है जब आप अपने अपना जेम पोर्टल के साथ जब वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर आपको अपना जो ये है लॉगिन करना होता है यूज़र आईडी। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका जो ये है वेरीफाई नहीं हो पाएगा, उस केस में आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा इनकम टैक्स की ई फाइलिंग के पोर्टल पे। तो ये तो हो गया कि टैक्स असेसमेंट का जो है आप वेरीफाइड, यहाँ पे आ गया लिखा हुआ वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड नंबर पे होता है ये MSME। तो MSME में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अपना जो उद्यमी रजिस्ट्रेशन होता है यानी उद्यम नंबर आपको देना होता है, और उद्यम नंबर जब आप दे देते हैं उसके अंदर तो ये जो स्टेप होती है तभी कंप्लीट होती है। अगर आपने अपना उद्यम नंबर नहीं दिया तो यह सारी स्टेप आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन आप कैसे लेंगे इसकी भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूं। और इसी के बाद अब उद्यम का जो नंबर होता है, बेसिकली आप ये देखेंगे कि जब आप उद्यम का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के साथ में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसी केस में आपको ये उद्यम का जो नंबर है वो अलॉट हो जाता है, और अलॉट होने के बाद में आप इसके अंदर वो चीज़ एंटर करेंगे यानी उद्यम नंबर आप इसके अंदर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में जो कॉपी पेस्ट करें या टाइप करें वो भी आपके ऊपर है, और इसी के बाद आपकी ये प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। अब 100% कंप्लीट होने के बाद में आप अपना जो जेम पोर्टल है उस पर एज ए सेलर अपने प्रोडक्ट का आप सेल आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी आपकी जिस कैटेगरी के अंदर आप डील करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप इसके अंदर ऐड करके अपना जो है सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर जो था टैक्स का असेसमेंट जो होता है, यहाँ पर ये वेरीफाई करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसी का मैंने ये कि टैक्स असेसमेंट का जो होता है ITR, बेसिकली आपको ITR जो है जब आप फाइल करते हैं उसी में से ये डाटा आपको लेना होता है, और ITR के अंदर यानी ई फाइलिंग का पोर्टल आप लॉगिन करके रखें और उसी केस में जब वेरीफाई आप इसमें कर लोगे और वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो है प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी। तो ये दो स्टेप होती हैं जो कि थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। MSME के लिए आपको उद्यमी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, और टैक्स असेसमेंट का जो मैंने आपको बताई दिया कि जब आप अपना ITR फाइल करते हैं तो उस केस में जो ई फाइलिंग होती है, ई फाइलिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे जो फील्ड का जो रिटर्न फॉर्म होता है वो आपको चेक करना होता है। और इसमें चेक करने के बाद में ये दो डाटा आपको लेना होता है E1 टेबल के अंदर से, ए का और बी का। जो ए का और बी का मतलब होता है कि आपका टोटल बिजनेस का टर्नओवर कितना है, और इसके साथ में एनी अदर मोड यानी इसके अलावा अगर कोई कैश पेमेंट होता है या कोई दूसरा आपका सोर्स होता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लेनी होती है, लेकिन कोई भी मेरा अदर सोर्स नहीं है तो यहाँ पर वो टर्नओवर दिया गया है, तो ये टर्नओवर की एंट्री आपको उसके अंदर दिखानी होती है। तो तभी जाके जो आपका अपना जेम पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल आप 100% एक्टिवेट कर पाओगे और अपने जो प्रोडक्ट है उसका आप सेल आउट कर पाओगे। तो दोस्तों ये जेम से रिलेटेड मेरी कुछ इंट्रोडक्शन था कि इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को 100% जेम के पोर्टल पे एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने के बाद ही अपने प्रोडक्ट का आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ये पोर्टल है इस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।